गायिका शांति विष्ट, जिन्हें हिमाचली स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, वे सभी के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। इस गहराई दिया लंबड़ाओ और इना छोरुआ जो लिया समझाई जैसे गीत उन्होंने दिल से गाए और आज ये गीत हिमाचल वासियों के दिलों में बस गए हैं, जिन्हें कोई भुला नहीं सकता। उनके निधन से साहित्य व लोक संगीत से जुड़े कलाकारों और बुद्धिजीवियों को गहरा झटका लगा। सोलन में भी उनके निधन पर शोक की लहर देखी जा रही है। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और समाज सेवी कुल राकेश पंत ने कहा कि हिमाचली स्वर कोकिला गायिका शांति विष्ट आज हमारे बीच नहीं है, जिसके चलते समस्त हिमाचलवासी बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि गायिका शांति विष्ट ने हिमाचली के साथ साथ हिंदी, पंजाबी, मराठी और तेलुगु भाषा में गीत गाकर सभी को हैरान कर दिया था और उन्होंने उस समय में गीत गाना आरम्भ किया था जब महिलाओं पर काफी बंदिशें थी, लेकिन उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की और अपनी कला का डंका भी बजाया। यही वजह रही कि हिमाचल की अन्य महिलाओं को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा मिली और आज हिमाचल की महिलाएं उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। शिमला जिले के रामपुर स्थित 200 बिस्तर वाला महात्मा गांधी चिकित्सक सेवा परिसर खनेरी में 2 कोरोना के पॉजिटिव मामले आए हैं। इसके बाद खनेरी अस्पताल में हड़कंप सा मचा हुआ है। दोनों कोरोना मरीज आईडीबीपी के जवान हैं। एक जवान 7 अगस्त को खनेरी में भर्ती हुआ था, जबकि दूसरा जवान रविवार को चिकित्सालय में भर्ती हुआ। उसे बुखार की शिकायत थी। एक जवान का आज हार्निया का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन से पहले जांच किया तो वह कोरोना पॉजिटिव निकला। घटना के तुरंत बाद पूरे चिकित्सालय परिसर को सैनिटाइज किया गया। सर्जिकल बार्ड को सील कर दिया गया। सर्जिकल बार्ड में करीब 15 मरीज हैं। इसके अलावा उनके तीमारदार जिन्हें बाहर निकालने की इजाजत नहीं है। सर्जिकल बार्ड के 5 नर्सों और सर्जन चिकित्सक को आइसोलेट कर दिया गया है। खंड चिकित्सा का अधिकारी डॉक्टर आरके नेगी ने बताया कि दोनों कोरोना पॉजिटिव जवानों को शिमला भेज दिया है। पूरे सर्जिकल वार्ड को सील कर दिया गया है। सर्जरी के चिकित्सक समेत 5 नर्सों को भी आइसोलेट किया गया। आज उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जिसमें से एक जवान का ऑपरेशन होना था तथा दूसरा बुखार की शिकायत को लेकर एडमिट था। दोनों जवानों के जब कोरोना टेस्ट हुए तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों को खनेरी से कोविड केयर सेंटर भेजने में जुट गया। चिकित्सालय कर्मी कांता ने बताया कि सर्जिकल बार्ड सील है। जो मरीज और तीमारदार ऊपर सर्जिकल बार्ड में है, उन्हें बाहर निकालने नहीं दिया जा रहा है और न ही बाहर से ऊपर बार्ड में कोई जा रहा है। हिमाचल के ऊर्जा मंत्री कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई नेता कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके चलते सूबे में खलबली मची हुई है। कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाए, इस बात का पाठ पढ़ाने वाले खुद कोरोना ग्रसित नजर आ रहे हैं। तो कुछ नेता खुद क्वारंटीन हो चुके हैं। शायद नेता यह समझते हैं कि वे सभी कोरोना प्रूफ हैं और बीआईपी लोगों को कोरोना कुछ नहीं कहेगा, जिसका नतीजा सभी के सामने है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल नियमों को ताक पर रखकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता अपने नेताओं के स्वागत में होश खो बैठे हैं, जिसका परिणाम सभी भुगत रहे हैं। जहां एक और प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के साथ कोरोना आ रहा है, वहीं अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इस कोरोना को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्थिति बिगड़ते देख अब जनता ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने राजनेताओं को नसीहत दी है कि वे सभी तरह के कार्यक्रम ऑनलाइन करें, अन्यथा कोरोना हिमाचल में नियंत्रण से बाहर हो सकता है। सोलन वासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि राजनेता जो
जनता को राह दिखाते हैं, वे खुद आज पथभ्रष्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ये निर्देश दे रहे हैं कि घरों से कम निकलें और बेहद जरूरी काम है तभी बाजार में आएं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक जिले से दूसरे जिले में जाकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जब बड़े नेता शहर में आते हैं तो उनके समर्थनों की भीड़ जुटनी भी तय है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे अपने घरों में रहें और जो भी कार्य करना है ऑनलाइन करें ताकि कोरोना का संक्रमण किसी भी सूरत में ना फैल सके।